A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How high above the ground can the cricketer throw the same ball? देखो भाई, यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है कि बॉल को फेंका, बॉल ऐसे यहाँ पर पहुंची, यहाँ से फेंका। अब कहानी कैसे चल रही है कि ये जो डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये आर मैक्सिमम बोल रहा है। आर मैक्सिमम कितना है? 100 मीटर। इससे क्या मैसेज मिलता है आर मैक्सिमम से, वो देखो आप। सबसे पहले तो आर मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है, यानी मैक्सिमम रेंज जो हॉरिजॉन्टल है, वो क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन जी होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। अब आर मैक्सिमम की वैल्यू दे दी इन्होंने 100, ये 100 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अब g की वैल्यू अभी यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है जब तक कि हमारी कैलकुलेशन के अंदर g आए नहीं, ये बिल्कुल ध्यान रखें। g को क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर ले लें तो 100g इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बोला जा रहा है कि ये सेम बॉल है, अगर ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकी जाए, ऊपर फेंकेंगे ना इसे, ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? u, और फाइनल वेलोसिटी। अब क्या बोला इसने, फाइनल वेलोसिटी मैं कैसे कह रहा हूं सुनो, हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, यानी कितनी ऊपर फेंक सकते हैं। जब तक ऊपर जाती रहेगी तब तक तो हाईएस्ट जो हाइट है वो डिसाइड कर नहीं सकते अपन, तो हम ये सोचेंगे कि भाई यहां तक पहुंच गई तो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। उसके बाद वो रिटर्न होने शुरू होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी यू लेंगे और जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी लेंगे? वी लेंगे, और फेंकी किधर है? जस्ट ऊपर की तरफ, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन ए है ना, उसको अपन क्या काउंट करेंगे? माइनस जी, पक्का। अब इसमें फाइंड क्या करनी है? ये डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस एस है, मींस मेरे को फाइंड करना है एस। अब न्यूटन की थ्री इक्वेशंस में से एक इक्वेशन आपको सेलेक्ट करनी है, सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा भाई? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब ध्यान दो सारी चीजों के ऊपर, वैल्यूज रखो, देखें v की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। यू स्क्वायर इस फर्स्ट इक्वेशन से 100g लिख लीजिए आराम से, ये हमारे पास 100g। देखो u की वैल्यू नहीं है ये u स्क्वायर की ऑलरेडी है, तो दोबारा स्क्वायर मत कर देना, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद में प्लस टू और यहां पर माइनस जी और ये एस, क्लियर है? अब ये माइनस कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, तो ये प्लस हट करके ये माइनस बन जाएगा। अब इस वैल्यू को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लो, मींस 2gs इज इक्वल्स टू 100g, एक जी से तो एक जी कैंसिल आउट, मीन्स 100 अपॉन ये 2 कहाँ जाएगा? अपॉन में, है ना, 100 अपॉन 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 50। देयरफॉर जो s की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 50 मीटर, यानी कि उसी बॉल को, सेम बॉल को जिसको अगर ऐसे क्रिकेटर फेंकता है तो हॉरिजेंटली मैक्सिमम रेंज कितनी मिलती है इसकी? 100 मीटर। हुई बैल को उतने ही इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंके तो कितनी ऊंची जाएगी? 50 मीटर ऊंची जाएगी, ये इसने पूछा था, इसने ग्राउंड से कितना ऊपर जाएगी, तो आंसर क्या आ गया? 50 मीटर अबाउट द ग्राउंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली कीजिए, कैलकुलेशन के ऊपर पूरा ध्यान रखें, कहीं सिली मिस्टेक नहीं करें। यहाँ पर क्या होता है, सिली मिस्टेक होने के पूरे चांस होते हैं। जैसे यू स्क्वायर की वैल्यू है, अपन ने यहाँ पर यू नहीं निकाला क्योंकि यू की जरूरत नहीं थी, तो यू स्क्वायर ही बने रहने दिया यहाँ पर, और यू स्क्वायर को डायरेक्ट यूज कर लिया, कहीं दोबारा स्क्वायर नहीं कर दें और उलझ नहीं जाएं, इस बात का पूरा ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और अभी सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।